गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। माया नगरी में तो गणेश चतुर्थी की रौनक ही अलग होती है। बॉलीवुड सितारे जितनी धूमधाम के साथ गजानन को घर लेकर आते हैं, उतने ही प्यार व जोश के साथ ढोल ताशों के बीच उनकी विदाई यानी विसर्जन भी करते हैं। जहाँ कुछ समय पहले सेलेब्स बप्पा का स्वागत किया, वहीं कल कुछ सेलेब्स ने झमाझम बारिश के बीच बप्पा की विदाई की। इतना ही नहीं, अपने अपने गणपति की विदाई के दौरान ये सेलिब्रिटी जमकर झूमते भी नजर आए। चलिए पहले बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की। कुंद्रा फैमिली ने मंगलवार को बप्पा की विदाई की। इस मौके पर उनकी फैमिली के लोग और फ्रेंड्स मौजूद रहे। गणपति विसर्जन के दौरान शिल्पा पिंक कलर के सूट में नजर आई और पति राज कुंद्रा के साथ जमकर डांस करती नजर आई। वहीं सलमान की बहन अर्पिता खान ने भी डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन धूमधाम से किया। सलमान खान भी अपनी लाडली बहन अर्पिता के घर पहुंचे। गणपति बप्पा की विदाई में सलमान खान के साथ उनका पूरा परिवार साथ नजर आया। ढोल की हर बीट पर सलमान खान किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह नाचते नजर आए। इस मौके पर बाकी सेलेब्स भी मौजूद रहे। बप्पा की विदाई से पहले खान परिवार ने आरती की, जिसमें हेलेन, सलमान की मां सलमा खान, सोहेल खान, अरबाज खान, आयुष शर्मा, अर्पिता खान शर्मा, डेजी शाह, स्वरा भास्कर समेत कई सदस्य शामिल हुए। इस दौरान स्वरा और डेजी शाह ने भी सलमान के साथ जमकर डांस किया। एक्ट्रेस नोरा फतेही रेमो डिसूजा की गणपति विसर्जन में पहुंची, जहां वो आरती के वक्त मौजूद तो रही, लेकिन उन्होंने अपना मुंह कपड़े से कवर कर रखा था। बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा टीवी स्टार्स ने भी कल के दिन बप्पा की विदाई की। टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा की इस बार अपनी बीवी रिपकी भाटिया के साथ पहली गणेश चतुर्थी थी। इस कपल ने भी ढोल बाजे के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया। इस दौरान उनकी फैमिली भी साथ में मौजूद थी। विसर्जन से पहले तो उन्होंने बप्पा की आरती की, फिर ढोल की ताल पर दोनों ने खूब डांस किया। एक्टर और होस्ट मनीष पॉल ने भी बप्पा की विदाई कर दी और वो अपनी फैमिली के साथ विसर्जन करने पहुंचे। भारती सिंह ने डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन किया। भारती ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो किस तरह गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही उन्होंने फैंस को इको फ्रेंडली गणपति का मैसेज देते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने का मैसेज भी दिया।